हेलो एवरीवन, वेलकम टू रचनास आर्ट। तो आज की वीडियो में हम ये वाली माउंटेन सीनरी ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम यहाँ पर माउंटेन्स ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि थोड़ी सी जो हम जैसे ड्रॉ करते हैं जनरली बच्चे, तो इस तरीके से देखो शेप्स हम ड्रॉ करते हैं, बट बच्चे क्या सीधी सीधे शेप ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा कट्स देते हुए माउंटेन को ड्रॉ करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के जिगजैग लाइन में नहीं ड्रॉ करके थोड़े से कट्स देने हैं, और इस तरीके से जो उसका टॉप पॉइंट है वहाँ से हमें उस जो माउंटेन है उसको दो पार्ट्स में भी मैंने कहीं कहीं डिवाइड किया, कहीं पर करना है कहीं पर आप छोड़ सकते हैं, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपनी सीनरी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने जो है जो प्लेसमेंट डिसाइड नहीं किया है, और क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग में पहले सोच रही थी सिर्फ आपको माउंटेन के बारे में ही बताऊंगी, बट फिर माउंटेन बनाने के बाद मैंने उसको सीनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए जब मैं आपको लास्ट में बता दूंगी आपको ऐसे ऐसे लोकेशन लेनी है। ये देखिए, अब इसका जो एक पार्ट है, देखिए एक पार्ट डार्क और एक पार्ट हम उसको थोड़ी लाइट शेडिंग देंगे, एक पार्ट पे हम थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से माउंटेन की शेडिंग आप करेंगे तो काफी रियलिस्टिक लुक आपको दिखेगा। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट हमारा लाइट था, तो हम जो दूसरा माउंटेन की तरफ जा रहे हैं तो उसके ऐसे कॉर्नर पार्ट पे हम इस तरीके से डार्क टोन अप्लाई कर रहे हैं, लाइन्स के थ्रू और या सिंपल शेडिंग के थ्रू। आप दोनों टाइप का आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप सिंपल शेडिंग कर सकते हैं या आप लाइंस ड्रॉ करके उसको हैचिंग वाला टेक्सचर भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी शेडिंग डाल के अपनी ड्राइंग को बनाना चाहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने हाफ पार्ट लिया, तो मैंने उसमें नीचे से एक पॉइंट निकालते हुए उसको इस तरीके से मिक्स कर दिया। तो मिक्स जरूर करें, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो देखिए एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो आप ये नहीं एक अलग ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें भी यहाँ पे इस तरीके से मैंने देखिए ये जो पॉइंट्स आपको बनाने हैं ना, शार्प बनाने हैं, एक ऊंचा, एक थोड़ा उसके साइड में, फिर एक थोड़ा और साइड में, थोड़ा ऊपर को जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख के बनाइए, क्योंकि वो बिल्कुल एक शेप में तो होते नहीं है, और सारे जो माउंटेन्स होते हैं वो सारे एक मतलब ऊपर से एक जैसे नहीं होते, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो विजिबिलिटी हमारे को जो दिख रहे होते हैं वो हम कैसे एज्यूम करते हैं, जो हमें कैसे हम ड्रॉ करते हैं सॉरी, कि जैसे हमें दिख रहे हैं कुछ छोटे कोई बड़े, तो इस तरीके से आप लेके ड्रॉ करें। अब देखिए, इसमें भी मैंने पार्टीशन टॉप पॉइंट से थोड़े थोड़े पार्टीशन दिए हैं, तो कहीं पे मैंने डार्क कहीं पे लाइट। आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और जो उसके एजेस हैं उस पर भी मैंने हल्का सा पेंसिल से कहीं पर डार्क टोन डाला है, कहीं पर लाइट टोन डाल के अपनी पेंसिल से आउटलाइनिंग दी है। ये देखिए, एक मैंने नीचे की तरफ बना दिया यहाँ पर, और उसको भी सेंटर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट मैंने यहाँ पे डार्क रख दिया, और ये देखिए हल्का सा हल्का जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हल्की सी पेंसिल अप्लाई कीजिए, और उसकी शेप का भी ध्यान रखिए। देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ से कर्व शेप में आता है तो पेंसिल को उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स डालिए। अब यहाँ पे मैंने एक और दो छोटे छोटे बना दिए आगे की तरफ, तो इस तरीके से माउंटेन ड्रॉ करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी हम जैसे सीनरी आगे ड्रॉ करेंगे, या मतलब कोई भी सीन ड्रॉ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स होते हैं, तो मैं उसको भी आगे क्लियर करती चलूँगी। अब देखिए, ये इस तरीके के हमारे कुछ बन गए हैं, तो एकदम से मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसको सीनरी में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर एक इस एरिया में यहाँ पे मैंने ट्रीज के लिए लाइंस ड्रॉ की, और ये वाला पार्ट इस तरीके से आउटलाइन करते हुए, अब मैंने इसके नीचे जो है वो हम पानी दिखा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उसकी ट्रीज की और इन माउंटेन्स की रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देंगे। अब ये देखिए, पहले ट्रीज को हम इस तरीके से उनके अंदर सिंपल लाइंस ड्रॉ की,
ये देखिए रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल जैस जिस पोजीशन, जैसे ऊपर लंबा है ट्री तो नीचे थोड़ी सी लंबी लाइन, छोटा है तो छोटी, उसी हिसाब से आप ड्रॉ करें। और फिर ये देखिए मैंने ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप जो ये हमने पुरानी क्लासेस में किए हुए हैं ट्री को, ये वाले जो ट्री है उसको किस तरीके से हम इफेक्ट देते हैं, इसके लीव्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल रैंडम पेंसिल चलाते हैं स्ट्रोक स्टाइल के। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप बनाएंगे, उतनी बार हर बार इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी और फिर ये सब चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी। अब इसी तरीके से सारे ट्रीज ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखें। और प्लीज़ जो रिलेटेड बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं जिनको इंटरेस्ट है, वो प्लीज़ आप उनके साथ वीडियोस शेयर करें। तो देखें यहाँ पर ये ट्रीज मेरे, मैंने इनको शेडिंग अप्लाई कर दी है। अब इस तरीके से मैंने जो नीचे का पार्ट है, ये देखिए एक मिनट, हाँ हाँ इस तरीके से देखिए करके, अब यहाँ पे हमने जो नीचे का पार्ट है वो एकदम सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करते, तो मैं थोड़ा सा टेक्सचर वो ग्रासी लुक वाला, या आप थोड़ी रैंडम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ड्रॉ करें। और देखिए यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी मैंने माउंटेन में कहीं कहीं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अवेलेबल है जगह, उस हिसाब से थोड़ा सा खाली जगह लग रही है तो वहाँ पे आप ड्रॉ कर दें छोटे छोटे ट्री। अब यहाँ पे हम शेड, जब देखो जब हम इसकी शेडिंग बनाते हैं, रिफ्लेक्शन बनाते हैं, तो पानी में थोड़ा सा जो हम पेंसिल चलाते हैं वो वेव, मतलब थोड़ा सा लहरिया टाइप से चलाते हैं। देखिए मैं पेंसिल को बिल्कुल सीधा स्ट्रोक्स नहीं मार रही हूँ, थोड़ी सी इस तरीके से वेव्स वाली लुक देके मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसे करते हुए आप नीचे वाला पार्ट थोड़ा डार्क करें और थोड़ा अपना फिंगर टिप से भी उसको मिक्स करते हुए चलें। अब देखिए अब ऊपर की साइड यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि बिल्कुल जो सात जगह है वहां पे हमें थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दिखाई देता है, और आगे आगे आते आते धीरे धीरे थोड़ी सी लाइट का रिफ्लेक्शन आने लगता है तो वो वाला पार्ट लाइट होता जाता है। तो इस तरीके से शेडिंग को अप्लाई करें डार्क से लेते हुए लाइट की तरफ। अब इधर मैंने माउंटेन्स को भी इसकी शेप दे दी कि किस टाइप से ऊपर दिख रहे हैं, उसी हिसाब से नीचे ड्रॉ कर दिया है। और अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से डार्क अप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा अपने फिंगर टिप से इसको स्प्रेड कर देंगे, और शार्प लाइंस में ड्रॉ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे माउंटेन की जो शेप दी है वो हल्की हल्की से दी है, बहुत लाइट पेंसिल से, और आपको डार्क लगते तो बाद में आप उस लाइन को इरेज कर दें। यहाँ पे मैंने लाइट पेंसिल्स ड्रॉ से सिंपल लाइंस पानी के लिए लाइंस के स्ट्रोक्स डाल दिए, वेव्स के लिए, वेव्स नहीं है, जैसे ये पानी ठहरा हुआ पानी है तो उसमें हमें कैसे लाइट्स और वो डार्क और लाइट टोन दिखाई देती है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक बड़ा सा ट्री खड़ा कर रही हूँ, देखिए सीधा। अब इसमें हम ट्री का टेक्सचर दे देंगे जैसे हमने देखा ही है, थोड़ा थोड़ा, जैसे ये मैं उस तरीके से ड्रॉ करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जैसे एक ड्राई लुक में जो ट्री होता है ना, जैसे थोड़ा सूख गया है सिर्फ वो एक उसका स्टेम खड़ा हुआ है उस तरीके से, तो इसके थोड़े थोड़े से इस टाइप से, ये जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे इस टाइप के सीनरीज में बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये, ऐसे इस टाइप के ट्रीज जब हम ड्रॉ करते हैं तो, मतलब पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करें, फिर इसके अंदर ट्री का टेक्सचर दे दें। तो देखिए और पानी के लिए जो हमने वाटर रिफ्लेक्शन बनाया है उसके अंदर हम थोड़ा सा देखिए इरेजर की हेल्प से, इरेजर का जो कॉर्नर पार्ट होता है बिल्कुल जो एज होता है वहां से आप हल्की हल्की लाइन से इरेज करते जाएं, तो ये एक आपको वाइट कलर का जो इरेज होगी लाइन वो वाइट रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। तो ये आपको बहुत मतलब पेशेंटली और देख के कि कहाँ पर आपको वेव्स वगैरह चाहिए उस हिसाब से आप ड्रॉ करें। देखिए एंट्री में भी मेरा डार्क हो गया था तो मैंने वहां पे भी इसको इरेज करके फिर लाइंस का टेक्सचर डाल दिया है।
तो इस तरीके से आप देखिए सीनरी ड्रॉ करें और बहुत ही इजी है। इसमें आप देखिए लोकेशन आप कैसे सेट करेंगे, प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए इतने एरिया में मैंने, जैसे जो मैंने माउंटेन का एरिया लिया है वहाँ पे आप लाइन डालिए एक स्ट्रेट, और फिर आप इतने एरिया में हम आगे की तरफ माउंटेन्स बनाएंगे, इतने में पीछे की साइड माउंटेन बनाएंगे, और इस एरिया में हम ये वाले ट्रीज ड्रॉ करेंगे, और बस इसमें पार्टीशन ज़्यादा है नहीं। तो इस तरीके से हमने लास्ट में ट्री बाद में बनाया। तो यहाँ पे मैंने एक दो बर्ड्स भी बना दिए हैं, ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं बार बार ये वीडियो में बोलती हूँ ताकि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, सिर्फ देख कर ना छोड़ दें, इन्हें आगे भी शेयर करें। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपकी फैमिलीज में, जो चिल्ड्रन इंटरेस्टेड हैं, आपके कज़न हैं, तो आप प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो देखें, और अगर कुछ यूज़फुल लगे तो वो भी उन चीज़ों से कुछ बेनिफिट ले पाएँ। तो प्लीज़ आप अगर बार बार ये वीडियो देखेंगे और बार बार ड्रॉ करेंगे तो आपकी ड्राइंग में और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो देखिए हमारी वीडियो, हमारी सीनरी बन के रेडी है, और रचनाज आर्ट के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रचनाज आर्ट के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।